हेलो 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 ये दहेज में देना है साला में तो साहब बन गया साहब बन के कैसा बन गया साला में तो साहब बन गया साहब बन के कैसा बन गया ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो गोरा कोई लंदन का सभी कलाकार आ गया मन पे एक एक ये हमारी दुल्हन को दहेज में देना है सासू जी ने मालूम होवे अरे भाई आज हुए हो सासू जी ने मालूम होवे अरे भाई आज हुए हो मारे घरांचे मारे घरांचे मोकेलो काम सासू जी अरे माफ करो अरे घरांचे मोकेलो काम सासू जी अरे माफ करो मालूम होवे बाप मारो शहर गयो रोजी ने मालूम होवे बाप मारो शहर गयो मारे घरांचे मोकेलो काम रोजी अने माफ करो मारे घरांचे मोकेलो काम रोजी अने माफ करो कोटा आया ओह देखो हरमी जी बुआ ससू जी बुआ जी ने मालूम होवे
हरा भी बुआ जी आया, बुआ जी में मालूम हो गए, हरा भी बुआ जी आया, ओहो बुआ सासू जी ने, बुआ सासू जी ने जोड़ा लंबा हाथ, बुआ जी हने माफ करो, बुआ सासू जी ने जोड़ा लंबा हाथ, बुआ जी हने माफ करो। साडू जी ने भेजा साली जी बुलावे है तो साडू जी ने भेजा। ओहो साडू जी खेत पब्लिक में जा बैठा है। साली जी बुलावे है तो साडू जी ने भेजा, साडू जी ने भेजा महाराज साडू जी हमारा लाडका साडू जी। ओ महाराज साडू जी नाचे ला सारी रात, महाराज साडू जी नाचे ला सारी रात, साली जी भले माफ करो। बुलावे तो थारो भी ख्याल छे, साड़ा जी ने मालूम होवे थारो भी ख्याल छे, ओहो थारो आवती बस मने करशा प्यार, साड़ो जी मने माफ करो, थारो आवती बस मने करशा प्यार, साड़ो जी मने माफ करो। सिंदूर मती जा लग जावे पावड़ियो, हमें कौन बुलावे थाने लाड़ी जी। ओ हो 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 अरे थाने लाड़ी जी। ओ मावड़ी मारा पिया घर आया। अच्छा कौन बुलावे थाने लाड़ी जी। लाड़ी जी हां मारे जीवन दा गाड़ी जी। अरे थाने लाड़ी जी। ओ हो हो ओ नाम तो लेता ही लोग घणो चोखो लागे। थाने लड़ी जी बुलावे घर आओ जवाई, लड़ी जी बुलावे घर आओ जवाई,
तो लाडो जी भी आवे, लाडी जी बुलावे तो लाडो जी भी आवे। अरे देखो उतावल की थी, लाडी जी बुलावे उठे, लाडो जी भी आवे, लाडो जी भी आवे, लाडो जी भी आवे। मैं तो जाऊंगा, आए मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा सासरिए आज, साथी रा मन माफ करो। मैं तो जाऊंगा सासरिए आज, साथी रा मन माफ करो। देख मुझे ये पंछी अकेला, देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं नहीं शायरी, हाँ अब ही का दे दो यार, टाइम मत है। चमरिया में उतरी इन वास्ते रोवे, मैं कहीं खेड़ी मत उतरी हो, मैं चमरिया में। बार जोरदार तालियां बजा दे सभी कलाकारों के लिए। देखिए हर आदमी के जीवन में एक पल ये भी आता है जब बेटी की विदाई होती है। दो लाइनें मैं कहना चाहता हूं कि 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में,
सोलह सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने दो दिन की सहनाई में। सोलह सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने दो दिन की नाई में। जो नैन पुतली कहता था पलकों से ओट ना करता था, वह भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलकता है। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही ना माई में, छुड़ा दिए वे हाथ किसी ने दो दिन की सहनाई में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माली सागर म्यूजिकल ग्रुप के लिए। मयूर तैयार है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हेलो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन यहाँ बेंगलोर में नाचेगा तो आप सब देखोगे। हमारे बोहना साहब की इच्छा है कि वो हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं सभी कलाकार। देखिए समय की पाबंदी और मोर तैयार हो रखा था इसलिए अपने मंच पर बुला लिया जी। बोराना साहब मंच पर पधारे। कैलाश जी बोराना धन्यवाद के लिए मेरा निवेदन भाई कैलाश जी बोराना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदना। पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। सम्मानित मंच, उपस्थित परिषद, सादर जय जिनेंद्र। लगभग चार घंटे से जो समा बांधी है, छह घंटे से जो ये कार्यक्रम दे रहे हैं कलाकार, उन कलाकारों को हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। उपस्थित परिषद से मैं यही निवेदन करता हूं कि सब एक बार ताली बजाएं और उनका आभार ज्ञापन करें। जिस तरह राजस्थान जो अपनी जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि में कण कण में जो बसा है, उसकी जो प्रस्तुति हुई, हम बहुत उस प्रस्तुति को सुन करके हम भाव विभोर हो गए। मैं सागर जी माली एवं भाई साहब प्रकाश जी माली, जो उनके शब्दों में जिस तरह खूंखार से होता है कि हम
हमारा एक एक रोम उठ जाता है कि प्रकाश जी मालू की जो प्रस्तुति है उसको हम देखते ही रहें, हमारा मन ही नहीं भरता है। तो भाई साहब प्रकाश जी माली उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार, और सागर जी माली जो एक सुंदर संचालन करने वाले हैं, राम किशोर जी दादीज, जिन्होंने बहुत सुंदर मंच संचालन किया, उनके प्रति बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आपने जो प्रस्तुति दी और समाज का जो सहयोग मिला, अभी भी ये हाल खचाखच भरा हुआ है, मैं पूरे समाज के प्रति भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस एक बजे तक भी आपकी जो प्रस्तुति आपकी उपस्थिति थी वही सफलता का राज है। तो आपके प्रति भी हम बहुत बहुत आभारी हैं, पूरे समाज के प्रति, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कितने लोगों का समय तन मन धन और श्रम लगा है उसका उल्लेख करना चंद मिनटों में बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय श्रीमान भंवरलाल जी बोलिया के नेतृत्व में मदन जी बोराना और संयोजक श्रीमान दिनेश जी कटारिया, उनकी जो टीम जिसने जो काम किया है उनका भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ ट्रस्ट परिवार की तरफ से, कि आपके नेतृत्व में और इस ट्रस्ट का विकास हो और दिन दोनी और रात चौगुनी प्रगति करे। साथ ही समाज की हमारी जो युवा संस्था है MJSS और जैन एकता मंच और यशवंतपुर की हमारी एक संस्था संयम ग्रुप, जिन युवाओं ने हमेशा जब भी उनको हमने याद किया उनकी उपस्थिति हाजिर, और उस उपस्थिति से हमारे को जो बल मिला जो शक्ति मिली और कार्यक्रम में जो निखार आया उनका भी पूरा श्रम लगा, मैं तुम तीनों संस्थाओं के प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसी तरह इस संघ और समाज से जुड़े रहकर काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं के प्रति भी, और जो इस मंच को सुशोभित करने में हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान लहर सिंह जी सिरोया, श्रीमान भंवरलाल जी पीतलिया, श्रीमान पुखराजा मेहता जो अभी भी हमारे सामने उपस्थित हैं, मैं आम अतिथि महोदय के प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, पधार कर जो हमारे को आशीर्वाद दिया बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और जो हमारे MLA साहब लादूलाल जी पीतलिया हैं, उनकी व्यस्तता तो बढ़ चुकी है हमारे को मालूम है, हमारे मदारिया समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी शुभकामना संदेश भेजा है कि मैं किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँचा हूँ, तो उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही यहाँ की जो टीम जो गौतम जी पीतलिया, जो हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं श्रीमान भंवरलाल जी पीतलिया के सुपुत्र गौतम जी पीतलिया, जिनको इस मंच का कार्यक्रम का उनको जिम्मेदारी सौंपी थी, जो गौतम जी पीतलिया ने श्रम किया है समय दिया है, और कल रात को यहीं पर थे, तो उनका जो श्रम है जो समय दिया गौतम जी के प्रति भी ट्रस्ट परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ कि आपने जो समय दिया बहुत बहुत साधुवाद। और ट्रस्टी गण जिन्होंने ट्रस्टी के रूप में तो काम किया लेकिन इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने में पूरा ट्रस्टी परिवार ने जो सहयोग प्रदान किया उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार, और उपस्थित परिषद का फिर एक बार मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि आभार की एक प्रतिक्रिया हमारी संस्कृति में एक वात्सल्य पैदा करता है, एक आत्मीयता पैदा करता है कि हम किसी का काम करें बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, तो उनके मन में एक श्रद्धा के भाव उपस्थित होते हैं, तो ये श्रद्धा हमेशा आपकी दिलों में हमेशा इस ट्रस्ट के प्रति बनी रहे, और इस ट्रस्ट का विकास आपके हाथ में है, हमेशा हमारा साथ बना रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ सभी के प्रति फिर एक बार बहुत बहुत आभार। कैलाश जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गौतम जी पीतलिया के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। मैं मदारिया ओसवाल जैन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे ग्रुप के कलाकारों से संगीतकारों से कहीं भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
हमारे को जो सुबह से भोजन, मध्याह्न का भोजन, शाम का भोजन, जो बहुत सुंदर व्यवस्था करके जो हमारा कैटर्स मानक जी मदन जी का है, उन्होंने भी बहुत अच्छी सेवाएं दी और बहुत अच्छा हमारे को समय के साथ उनका सुंदर भोजन हमने ग्रहण किया। बहुत बहुत कैटर्स के प्रति भी धन्यवाद, आभार। साथ ही इस परिसर में प्रिंसेस श्राइन में अमित जी मेहता जिनका भी पूर्ण सहयोग रहा, अमित जी मेहता के प्रति भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार मदनलाल जी बोराना साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। फोटोग्राफर साहब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत ही अच्छी साउंड की व्यवस्था, साउंड के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और हमको भी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एक बार जैन समाज के लिए ताली बजाकर अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर जी दादीज। लीजिए लक्की ड्रो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। राम किशोर जी दादीज भाई ने बहुत ही सुंदर संचालन किया। मैं अब निवेदन करूंगा लकी ड्रा के प्रायोजक भाई श्री ताराचंद जी, संजय कुमार जी, विनोद कुमार जी, हितेश कुमार जी, प्रज्वल कुमार जी, गन्ना परिवार, श्रीमान ताराचंद जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। और आज यहाँ पर रखे गए हैं पहला माइक्रोवेव ओवन, जिसका कूपन, दो कूपन निकाले, वो अब तीसरा कूपन हम निकालने जा रहे हैं। जो भी उपस्थित रहेंगे मैं निवेदन करूंगा भाई ताराचंद जी से कृपया जल्दी से बारी बारी से आप कूपन निकालें, माइक्रोवेव ओवन के लिए सब अपने कूपन तैयार रखें। 0305 305 0305 सभी तैयार हैं? नहीं है तो हम फटाफट अगला कूपन निकाल रहे हैं। 0354 354 591 591 54 0054 खाली 54 क्या बात है। अभी तो पहला पुरस्कार चल रहा है, पांच पुरस्कार निकालने हमें। 1171 1171 1171 1171 कोई है क्या? आइए कृपया दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन, अरे सब बटे ऊपर, फिफ्टी फोर है ना? ठीक है, आपका नाम सुभाष जी पोखरणा को 54 नंबर का कूपन, आपको माइक्रोवेव ओवन का पुरस्कार। मैं निवेदन करूंगा भाई ताराचंद जी से इनको पुरस्कार। अगला पुरस्कार टीवी, उसमें हमने 1171 निकाला, कोई नहीं है ना? अगला कूपन निकाल रहे भाई, हाँ पधारो सा। अटे रख दे, अटे रख दे, खड़े कर दे, खड़ो कर दे, खड़ो खड़ो। इन जो भी ये आइटमें हैं, सा गिफ्ट से
ली गई है वहां पर गारंटी कार्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा यशवंतपुर में सा गिफ्ट से। तो जिन जिन भी परिवार है वो कृपया इनका वहां से गारंटी कार्ड प्राप्त कर लें। अगला कूपन 577 वॉशिंग मशीन। आइए भाई, आई आई हमारे भाई कमलेश मुनोत ने विशेष बात बता दूं, जो कलाकारों के संयम टीम के संयोजक के रूप में कलाकारों की आने जाने की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था में पूरी जागरूकता से इसने अपना दायित्व का निर्वहन किया, भाई कमलेश मुनोत को ये वॉशिंग मशीन का पुरस्कार। अगला नहीं नहीं फाड़ो मत, अगला पुरस्कार रेफ्रिजरेटर। हाँ मंगा तो नहीं, ऊपर ही देवा। पंद्रह सौ बावन वन फाइव फाइव टू। कोई नहीं है 1552। 81 नंबर 81 81 1046 1046 1046 अगला 465 465 अगर 465 नहीं है तो 265 आया अभी 265 265। क्या बात है, फ्रिज की बहुत डिमांड है। 544 544 717 717। ओ गौतम भाई कटारिया संयोजक मोदे के भाई, हमारे गोल्डन प्रायोजक परिवार भी गौतम जी कटारिया को ये रेफ्रिजरेटर 717। और अब दिल थाम के रहिए, प्रथम पुरस्कार एक्सेस गाड़ी टू व्हीलर व्हीकल के लिए भाई ताराचंद जी से निवेदन, आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। अरे लाइट बंद क्यों की थी, अरे ये थोड़ा लाइट चालू रखो भाई इधर। 1197 1197 1197 जय हो जय श्री राम। कौन है वे आ रहा जो शुभ नाम भाई आपका नाम बोलो। राकेश जी पोखरना को 1197 टोकन नंबर से ये गाड़ी का पुरस्कार मिला, बहुत बहुत बधाई और सभी पुरस्कारकर्ताओं को बधाई। पुणे सबके प्रति बहुत बहुत आभार, ट्रस्ट परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो स्थिरता दिखाई बहुत ही, और मुझे आशा है आप सभी को इस कार्यक्रम का बहुत आनंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।